लोक आस्था के महापर्व के मौके पर बेगूसराय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बेगूसराय विधानसभा से निर्वाचित विधायक कुंदन कुमार, बेगूसराय नगर निगम के महापौर, पूर्व महापौर, उप महापौर, नगर आयुक्त, अनुमंडला अधिकारी संजीव चौधरी के साथ छठ घाटों का निरीक्षण किया एवं मौजूद बड़ी अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश प्रदान किए। बेगूसराय क्षेत्र के बड़ी पोखर, तेलिया पोखर, रतनपुर, बिशनपुर, चतुर्भुज पोखर के निरीक्षण के दौरान माननीय मंत्री ने कहा कि छठ पर्व लोक आस्था के महापर्व की संज्ञा से विभूषित है और इसकी वजह है कि संपूर्ण बिहार में जिस प्रकार से उमंग व उत्साहपूर्वक लोग इस धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करते हैं वह अन्य किसी जगह पर अकल्पनीय है। उद्याचलगामी एवं अस्ताचलगामी दोनों स्थितियों में भगवान भास्कर की आराधना संपूर्ण विश्व को एक बड़ा संदेश देता है कि बिहारी समुदाय हर परिस्थिति में संघर्ष का अनुयायी बनकर निरंतर विकास की परिकल्पना को साकार करने का काम करता है। वैश्विक महामारी कोरोना के इस कालखंड में जब संपूर्ण विश्व त्रासदी की चपेट में है तो लोक आस्था के इस महापर्व को कुशलतापूर्वक मनाना निश्चित तौर पर चुनौती का काम है, किंतु जिला प्रशासन की मुस्तैदी लोगों को इस महापर्व के मौके पर सुकून देगी। उन्होंने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा तय मानकों के अनुरूप लोग इस महापर्व को विभिन्न पोखर एवं घाटों पर संयम रूप से मनाए एवं कोविड महामारी का ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का प्रयोग अवश्य करें ताकि आपके त्यौहार सुरक्षित तरीके से संपन्न हो। देखिए, मैं सर्वप्रथम यहाँ के मेयर को धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा, यहाँ के वार्ड काउंसिलर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सब मिलकर के जिला के अंदर एक ऐसा माहौल बनाने का काम किया है कि छठ व्रत स्वच्छता का भी प्रतीक है, अनुशासन का भी प्रतीक है, सूर्य देवता अनुशासित करने का भी काम करते हैं और भारत सरकार, राज्य सरकार सबने कहा है कि खूब उल्लास के साथ मनाइए छठ, लेकिन कोरोना का भी ख्याल रखिए क्योंकि कोरोना एक भयावह रूप ले रहा है, पूरी दुनिया इससे परेशान है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम एक तरफ अपने त्यौहार व्रत पूजा अर्चना वो भी करेंगे, दूसरी तरफ हम कोरोना का भी